ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर अरकान की जानिब से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुश्तरिका अपील पर वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड और रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने नमाज जुमा के खुतबे में मुसलमानों की तवज्जो दिलाई और अवाम रास तौर पर खुद जामे मस्जिद हकीम शाह कॉलोनी टोली चौकी में QR कोड के पोस्टर बनवा कर मस्जिद के सदर दरवाजे पर इसको लगवा दिया और इससे लोगों को स्कैन का तरीका बताया और अपना नाम दर्ज कराएं और सेंड के बटन को क्लिक करने पर आपकी राय रास्त तौर पर लॉ कमीशन को जाएगी जिसको अवाम ने क्लिक करते हुए भिजवा दिया। याद रखें कि 13 जुलाई तक आपकी राय लॉ कमीशन तक पहुंचाई जा सकती है। वहीद अहमद एडवोकेट साबिका रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस ने कहा है कि हिंदुस्तान में जुमला आबादी 130 करोड़ है जबकि मुसलमान यहाँ 13 से 15% आबादी में रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा नुकसान गैर मुस्लिम भाइयों को होगा क्योंकि वहां पर कई जातें हैं जिसमें SC ST और BC शामिल हैं और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आदिवासियों को होगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि इस मसले पर जज्बाती ना हो। उनका दिया हुआ QR कोड जो हम आपको उनके ज़राए अखबार के जरिए उनके वेबसाइट के जरिए उनके ऑनलाइन के जरिए हमको हासिल हुआ और आज हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो QR कोड जो जारी किया गया जिस पर UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जुम्मे के मौके पर आज शहर यानी हैदराबाद की जानब से खास करके टोली चौकी के इलाके के तमाम मस्जिद में अलहमदिल्ला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो QR कोड के जरिए हमको जो पोस्टर दिया गया था वो पोस्टर से हम यहाँ के तमाम मुसलियान जो जुमे की नमाज में हाजिर हुए सब ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्योंकि ये कानून हमारे लिए यानी हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि हमें जो दस्तूर ने जो आज़ादी दी है वो आज़ादी को हम चाहते हैं और शरीयत का जो कानून है हम उसी पर ही हमारी ईमानी ज़िंदगी को हम गुजारेंगे। हम इस लॉ कमीशन के इस नोटिफिकेशन के एहतजाज का जो नोटिफिकेशन आया हमने उस पर हमने एहतजाज दर्ज करवाया। मैं तमाम मुल्क के तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो तमाम से मैं इस बात की अपील करता हूँ UCC के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो एक साथ सिविल कोड है उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं क्योंकि 14 तारीख इसका लॉ कमीशन ने आखिरी डेट दिया है। अक्सर इसमें शामिल होकर हम क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो QR कोड दिया गया खाली वो QR कोड को स्कैन करें अपने फ़ोन पर और No UCC भी आप लिख सकते हैं और जिनको तफसीली तौर पर लिखना है उन्होंने लॉ कमीशन की वेबसाइट पर जाइए लॉ कमीशन की वेबसाइट खोलिए उसमें नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ों को दिया जा रहा है आप उसको पूरा फील कीजिए और उसमें बड़े तौर पे अपना एहतजाज भी दर्ज करवा सकते हैं। मैं मुल्क की मरकज़ की सरकार से इस बात की गुजारिश करूँगा कि इस कानून को रोका जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो कानून लाया जा रहा है उसको रोका जाए क्योंकि मुल्क के आइन के खिलाफ है। मैं गुजारिश करता हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म से और तमाम जिम्मेदारों से कि इस कानून को रोका जाए।